सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जी हाँ, और फिर से आपका स्वागत है योर मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ला रही है 33 करोड़ रुपए का अपना आईपीओ। जी हाँ, क्या है ये आईपीओ और क्या है इस आईपीओ की डिटेल, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए आईपीओ की अपडेट के साथ। फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी बाबा फूड प्रोसेसिंग कंपनी लाने वाली है अपना आईपीओ। जी हाँ, जो कि 3 नवंबर को इन्वेस्टर के लिए ओपन हो जाएगा। इन्वेस्टर इस आईपीओ में 3 नवंबर से इन्वेस्ट कर सकेंगे। हाई फाइबर होल व्हीट आटा, जी हाँ व्हीट आटा, रिफाइंड फ्लोर मैदा, तंदूरी आटा एंड सेमीफ्लोर आटा जिसे हम सूजी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने वाली ये कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 33 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ के नए हिस्से के रूप में बाबा फूड प्रोसेसिंग कुल 43,42,105 शेयर जारी करने वाली है, जिसके लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू और 72 से लेके 76 रुपए की पर इक्विटी की प्राइस बैंड तय किया गया है। जी हाँ, इसका प्राइस बैंड 72 से लेके 76 रुपए तय किया गया है। इन्वेस्टर के पास मौका है 7 नवंबर तक इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। 3 नवंबर को यह आईपीओ ओपन होगा और 7 नवंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। इस आईपीओ में 2% शेयर जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 29% शेयर जो है वो NIR, जी हाँ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है, जबकि बाकी के 69% शेयर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है। जी हाँ, इसमें रेशियो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बढ़िया रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। ऑफर के जरिए इन्वेस्टर को कम से कम 1600 इक्विटी शेयर्स के लिए बीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप 1600 शेयर के मल्टीपल में बीड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक SME आईपीओ है, तो इसमें लॉट साइज बड़ी ही रहेगी। योगेश कुमार साहू इस कंपनी के प्रमोटर्स है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 10 नवंबर तक हो सकता है, वही 16 नवंबर को NSE SME में ये लिस्ट भी हो सकता है। जी हाँ, कंपनी जो है वो काफी यूनिक कंसेप्ट पे काम कर रही है। फूड पैकेजिंग की ये कंपनी है जिसके अंदर आपके लिए मौका है फिर से इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। होरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसका लीड मैनेजर तय किया गया है और मास सर्विसेज लिमिटेड को इस इश्यू का रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर को इस इश्यू के मार्केट मेकर के लिए तय किया गया है। सो दोस्तों, ये तो बात थी कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी की डिटेल भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, उस कंपनी की डिटेल्स मैं ही आपको बता देता हूँ। जी हाँ, बाबा फूड प्रोसेसिंग मुख्य रूप से हाई फाइबर वॉल व्हीट आटा जिसे हम व्हीट आटा कहते हैं, रिफाइंड फ्लोर जिसे मैदा कहते हैं, तंदूरी आटा एंड सेमोलिना फ्लोर जिसे हम सूजी कहते हैं के निर्माण में व्यवसाय में लगी हुई ये कंपनी है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रांची में स्थित है और इसमें 2 डिवीजन है, उच्च फाइबर साबुत गेहूं आटा डिवीजन और परिकृष्ट आटा डिवीजन। कंपनी अपने संपूर्ण गेहूं आटा डिवीजन के उच्च फाइबर वाला गेहूं आटा और अपने परिकृष्ट आटा डिवीजन में रिफाइनरी आटा जिसे मैदा बोलते हैं, तंदूरी आटा और सूजी का आटा बनाती है। जी हाँ, 2 कैटेगरी में इसके डिविजन्स है और 2 कैटेगरी में कंपनी काम करती है। बाबा फूड प्रोसेसिंग विनिर्माण इकाई पत्थर रहित उच्च फाइबर आटा के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक उच्च सर्वाचित बूलर के स्विस टेक्नोलॉजी में पैसे मिलने से सुजचित है। जी हाँ, प्रतिदिन 200 टन की स्थापित क्षमता के साथ ये अत्याधुनिक अत्यधिक स्वसंचालित बूलर की स्विस टेक्नोलॉजी रोलर आटा मेटर में काम करती है। जी हाँ, इसके टेक्नोलॉजीज भी अगर हम देखें तो 200 टन का आटा डेली बनाती है। तो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एक फ्लोर जिसे हम बोलते हैं के आटा बनाने वाली कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ कर रही है। जी हाँ, कंपनी की ये थी डिटेल्स और कंपनी कितना अर्न कर रही है वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स अगर आपको आइडिया नहीं होगी तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। तो दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जी हाँ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में
कंपनी का रिवेन्यू जो है वो 97.56 करोड़ रुपए था और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 2.01 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में बढ़कर 189.64 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और साथ ही इसके नेट प्रॉफिट ने भी बहुत ही बड़ी छलांग लगा ली। जी, इसका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़कर 5.03 करोड़ रुपए हो गया। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी के राजस्व में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, वही उसकी प्रॉफिट जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, एक आटा बनाने वाली बाबा फूड कंपनी का ये IPO 3 तारीख से ओपन हो रहा है, तो आपको इसको लेके कितने एक्साइट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, कंपनी काफ़ी यूनिक है और फ्लोर के ऊपर काम करने वाली ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो आटा फॉल फूड्स पे ऊपर काम कर रही है, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस कंपनी को लेके। तो दोस्तों, आपके लिए मौका है फिर से इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। आगे और भी IPO आ रहे हैं, बहुत सारे IPO लॉन्च हो रहे हैं और उस सारे IPO की डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे भी हम आपको IPO के रिलेटेड सारी अपडेट्स देते रहते हैं। उसके अलावा आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से भी ये सारी अपडेट्स जान सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IPO की अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।